चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। वर्तमान समय में इसकी कुल आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसकी आबादी संसार की कुल आबादी का 18.5% हिस्सा है। अगर आप इतिहास की किताबें पढ़कर चीन को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं, तो मैं आपको चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप कम से कम एक बार तो अपने जीवन काल में इस देश में जाने का मन जरूर मनाएंगे। तो चलिए देखते हैं चीन के बारे में चौंका देने वाली बातें। चाइना दुनिया का फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद हमेशा छोटे देशों पर अपनी ध्वज दिखाकर उनको छीनता है। चीन अपने डिफेंस पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, जो कि 13 लाख करोड़ के आसपास है। ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि उनकी गर्दन हमेशा सीधी रहे। चीन में आज भी 4 करोड़ से ज़्यादा लोग अंडरग्राउंड गुफा में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा है। चीन के लिए एक कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल चेयर छोड़कर हर 4 पैरों वाली चीज़ खाई जाती है। चीन में हर साल जून महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 कुत्ते मार दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के हिसाब से पूरे चीन में एक साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। रेशम के कपड़े सभी को पसंद है, मगर चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। चीन के रेशम के कीड़े के रेशम बनाने की तकनीक छुपा कर रखी थी। चीनियों ने पतंग की खोज 3000 साल पहले की। यह दुश्मनों के चेतावनी देने के लिए यूज़ किया जाता था। आप सभी ने चीन के लोगों को मास्क पहनते देखे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पॉल्यूशन है। चाइना की राजधानी बीजिंग में एक दिन में सांस लेने का मतलब 10 सिगरेट पीने बराबर रहता है। यहाँ का पॉल्यूशन स्पेस से नज़र आने लग गया है। चीन बहुत ही तेज़ी से हर दिन बिल्डिंग्स बना रहा है। साल 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क के बराबर 10 शहर होंगे। चीन में पैसों का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप चीन का रुख करने का सोच सकते हैं, क्योंकि चीन में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है। एक हफ्ते का रेट 2000 रुपये से भी कम है यहां पे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज़्यादा मांग है। इसे ईटेबल बर्ड नेस्ट सूप कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इन सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकते हैं। चीन के लोगों के शौक अजीब हैं। चीन में कई गगनचुम्बी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहाँ नई बिल्डिंग बनने का काम जोर शोर से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएंगे। हालांकि इन शहरों में बसने का कोई प्लान नहीं है, यही वजह है कि वहाँ कई शहरों को घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। चीन में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि वहाँ बॉडी फिशर को भी नौकरी मिल सकती है। बॉडी फिशर इन लोगों का काम होता है जो डेड बॉडी निकालते हैं। चीन हर चीज़ों का डुप्लीकेट निकालने लिए मशहूर है। दुनिया के 85% बनावटी क्रिसमस ट्री और 80% खिलौने चीन में ही बनाए जाते हैं। चीन बेहद ही अजीब देश है। जहाँ दुनिया भर में अंडों को पानी में उबाला जाता है, तो वहाँ चीन में लड़कों के पेशाब से अंडे उबाले जाते हैं। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, मगर ये साल 2005 तक 99% खाली था। इटली में ईसाई धर्म का जन्म हुआ, फिर भी चीन में 5 करोड़ 40 लाख ईसाई रहते हैं और इटली में केवल 4 करोड़ 70 लाख। अगर हम चीन और बाकी दुनिया दोनों को अलग अलग मान लें, तो जितने लोगों की मौत सज़ा बाकी दुनिया में दी जाती है, उससे 3 गुना ज़्यादा अकेले चीन में लोगों को मौत की सज़ा दे दी जाती है। चीन की भाषा मंडारिन, जिसे हम चीनी भाषा भी कहते हैं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली मातृभाषा है और इसके दूसरे नंबर पे अंग्रेजी है। चीन के शहर संघाई में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। चीन में साल 2009 से ही फेसबुक, ट्विटर और अमेरिका का एक नामी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स पर बैन लगा के रखा हुआ है। चाइना के पॉल्यूशन की वजह से हर 30 सेकंड में एक विकलांग बच्चा का जन्म हो रहा है। दुनिया भर के सुअरों की कुल आबादी का 50% हिस्सा चीन में पाया जाता है। दुनिया में हर साल कोयले के कुल उत्पादन का 50% हिस्सा अकेले चीन खपत करता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के 29% हवा प्रदूषण के लिए चीन अकेला ही जिम्मेदार है। चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है। इसके कारण पृथ्वी के घूमने की गति 0.06 माइक्रोसेकंड धीमी हो गई है। चीन में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अधिकतर हर वक्त ट्रैफिक जैम लगा होता है। चीन का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम 2010 में शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा था। यह जैम 12 दिनों तक चला था। दोस्तों अगर आपको दुनिया के किसी कोने में जैन पैंडा नजर आए, तो आँख बंद करके यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है।
आप सभी ने आईफोन के लिए किडनी बेचने वाली कहावत तो सुनी होगी। तो दोस्तों, आपने सोचा कि ये कहावत कहाँ से आई? तो मैं आपको बता दूं कि एक आदमी ने सिर्फ आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी, तभी से ये कहावत सुनाई जाती है। चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक इस्तेमाल की जाती है। इनके लिए हर साल 2 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। यूरोप के सभी देशों में जितने लोग चर्च जाते हैं, उससे ज़्यादा चाइना में संडे को लोग चर्च जाते हैं। चीनी लोग हर सेकंड 50,000 सिगरेट पी लेते हैं। चीन हर साल कुछ ना कुछ बड़ा बनाते जा रहा है, जिसके लिए उसे बहुत सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, 2011 से 2013 के बीच चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरे 20वीं सेंचुरी में भी नहीं किया था। चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर उन्हें एक लाइन में चलने के लिए कहा जाए तो ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी। चाइना एक अजीबोगरीब देश है, यहाँ इंटरनेट की लत में परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नॉलेज टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।